फ्री सब्सक्राइब कीजिए जवाबी बाबा चैनल को और बेल आइकन को दबाएं, रोज पाएं ऑसम नॉलेज वीडियोस। It's easy to tell from the design that the wing was designed for comfortable viewing without interference. So, it's only natural that the wing is sporting a P-OLED display. When the display turns on, what's the first thing you notice? Well, you notice what's not there. No hole, cut out, no notch, just 6.8 inches of pure, uninterrupted P-OLED real estate. इस फोन का जो सबसे बड़ा यूज केस कंपनी प्रमोट कर रही है दैट इट कुड ऑल्सो वर्क एज अ गिम्बल। गिम्बल आप समझते हैं क्या है? गिम्बल एक स्टेबलाइजर होता है मोबाइल फोन या कैमरा के लिए। वीडियो बनाने वाले वीलॉगर्स को ज़्यादा यूज करते हैं। उसका यूज केस ये है कि जब आप उस पर अपने डिवाइस को कैमरा को अटैच करके वीडियो बनाते हो तो वीलॉगिंग करते वक्त आप मूवमेंट करते हो, राइट? इट्स अ मूविंग वीडियो, चलते चलते आप बनाते हो तो उसमें वीडियो में शेक नहीं आता, फ्रिक्शन नहीं आता, स्मूथ वीडियो बनती है। ये उसका यूज़ केस है। अब इस नए फॉर्म फैक्टर को आप एज अ गिम्बल यूज़ कर सकते हो क्योंकि ये जो बड़ी स्क्रीन, जो हॉरिजॉन्टल स्क्रीन ऊपर जा रही है और जो वर्टिकल स्क्रीन आपके हाथ में रहती है, यहाँ पे एक वर्चुअल जॉयस्टिक बन जाती है। सारे के सारे गिम्बल के कंट्रोल्स उसमें खुल जाते हैं और आप वीडियो बनेगी ऊपर हॉरिजॉन्टल स्क्रीन में बनती हुई दिखेगी। आप इसको एज अ गिम्बल यूज़ कर सकते हो। अल्ट्रा वाइड लेंस कैमरा इसके पीछे दिया है, गिम्बल मोशन फीचर उसमें सपोर्ट करता है, तो पूरा का पूरा आपको गिम्बल इफेक्ट आएगा। यानी कि ये फ़ोन वी लॉगर्स को तो बहुत पसंद आने वाला है। एक और इसमें फीचर है, इसमें जो फ्रंट कैमरा है वो मूविंग कैमरा है, यानी कि नीचे से ऊपर आता है बटन दबाते हो तो, ठीक है। अब उस कैमरा को आप बैक कैमरा के साथ साइमल्टेनियसली यूज़ कर सकते हो। ऐसा फीचर मैंने, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि किसी और फ़ोन में था, लेकिन आप दो कैमराज एक साथ यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से उसमें वीडियो बनेगी, तो जो आप पीछे के सीन की वीडियो बना रहे हो वो आपको आधी स्क्रीन पर दिख रही है। आपको उस वीडियो बनाते वक्त जो आपका रिएक्शन है, अगेन ये वीलॉगर्स का फीचर है, आपका जो रिएक्शन है वो भी आपको दिख रहा है। आप उसको पीआईपी के थ्रू छोटा या बड़ा भी कर सकते हो, चाहो तो 50-50 कर लो या 25-75 कर लो। तो ये भी एक वीलॉगिंग फीचर है। इसमें आप जो वीडियो बनाओगे साइमल्टेनियसली आगे पीछे की वीडियो बन रही है और वैसी वीडियो वीलॉगिंग में आई थिंक बहुत चलने वाली है। वीलॉगर्स के लिए एक बहुत बड़ा यूज़ केस है। जब एक डिवाइस में ज़्यादा स्क्रीन की रियल स्टेट ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा जगह स्क्रीन की है, तो उसके अपने आप बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, राइट? लोगों को बड़ी स्क्रीन या ज़्यादा स्क्रीन या एक से ज़्यादा स्क्रीन इसलिए चाहिए होती है क्योंकि उनको उसकी ज़रूरत होती है। गेम खेलने होते हैं, मैप यूज़ करना होता है, वीडियो देखते देखते व्हाट्सएप करना होता है, वीडियो देखते देखते कॉमेंट करना होता है। तो ये सारे के सारे यूज़ केसेस होते हैं जिसके लिए लोग बड़ी स्क्रीन या एक से ज़्यादा स्क्रीन अपने फ़ोन में लगाना पसंद करते हैं। अब जब इस तरीके का फॉर्म फैक्टर बनेगा तो इमेजिन the way you are going to watch and enjoy videos on that phone. LG ने ये भी कहा है कि वो YouTube और दूसरे वीडियो क्रिएटिंग प्लेटफॉर्म के साथ टाई अप कर रहा है जिससे कि ऑप्टिमाइज़ किया जा सके वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस को इस फ़ोन के लिए स्पेसिफिकली। तो इमेजिन कीजिए कि आप वीडियो देख रहे हो उस पूरी हॉरिजॉन्टल स्क्रीन में, नीचे वाली वर्टिकल स्क्रीन जिसको कि आपने हाथ से पकड़ रखा है, दोनों हाथ से पकड़ के आप उसमें कॉमेंट कर सकते हो या उसमें व्हाट्सएप खोल सकते हो। एक और इसका यूज़ केस ये है कि कई बार आप अपने फ़ोन को एज अ नेविगेटिंग डिवाइस यूज़ करते हो, उसमें गूगल मैप खोलते हो, तो आपने अपने फ़ोन को लगा रखा है अपनी गाड़ी में, एक स्क्रीन पे आपका मैप चल रहा है, दूसरी स्क्रीन पे आपकी जो भी कॉल्स आ रही हैं या जो म्यूज़िक चल रहा है आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो यूज़ करने वालों के लिए ये एक बहुत बड़ा यूज़ केस हो सकता है।